क्या डिफेंस मिनिस्ट्री ने नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कोई ऑब्जेक्शन दी, हां या ना? जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? और अगर एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था तो क्या एयरफोर्स ने प्राइस इंक्रीज के बारे में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया, हां या ना? जो हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है, वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? और अगर एयरफोर्स का डिसीजन नहीं था तो क्या एयरफोर्स ने प्राइस इंक्रीज के बारे में अपना ऑब्जेक्शन दर्ज किया, हां या ना?